Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Fatıma binte İmam-ı Musa-i Kazim aleyhisselam, जिनका मारूफ लकब मासूमाए कुम है, जिनका रोज़ा कुम सरज़मी पर बहुत ही शानदार और आलीशान और बड़ा वसी बना हुआ है, जहाँ लोग ज़्यारत करते हैं और ज़्यारत करने वाले बखूबी जानते हैं कि यहाँ आने के बाद जो इनके हालात और इनकी ज़िंदगी और हयात तैयबा बयान की जाती है, वो आम तौर से कि मासूमाए कुम की हैसियत से छठे इमाम का कौल है कि जो मेरी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा के कब्र की मदीने में ज़्यारत ना कर सके और कुम में जाकर मेरी जद्दा मासूमा कुम की ज़्यारत कर ले, तो समझे कि उन्होंने मेरी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा की ज़्यारत कर ली। तो मासूमा कुम के सिलसिले में मिलता है कि जब आठवें इमाम मामू रशीद के ज़माने में बुलाए गए और आप ईरान आए, खुरासान में इन्हें भेजा गया, रखा गया, वली अहदी का ऐलान हो गया, तो बहुत दिन जब गुजर गए तो भाई की याद में बहन मदीने में जब तड़प रही थी कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने भाई के पास जाऊँगी, तो तमाम अहतमाम किया गया और सवारियाँ तैयार हुई और मदीने से यह काफ़िला ईरान की तरफ आया। और जब ये लोग कुम में दाखिल हुए काफ़िले के साथ, तो उस वक्त का बादशाह मामू रशीद ने मासूमा कुम को क़याम करने के लिए हुक्म दिया कि इन्हें कुम में रोक दिया जाए। ये कुम में क़याम कर गई, जिसके जगह को बैतुन्नूर कहते हैं, वहाँ आपका क़याम था, वहाँ रहती रहीं, और आने वाली कनीज़ों से जो खाना रह के आती थी आपकी खिदमत में, उनसे ये सवाल करती रहीं कि आखिर मेरा भाई कहाँ है, मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ। हुकूमत का कोई आदमी सामने नहीं आता था। एक कनीज़ एक दिन सियाह लिबास में दाखिल हुई खाना लेकर, जब उनसे जनाबे फ़ातिमा मासूमा कौम ने सवाल किया, तो वो कनीज़ रोने लगी और सियाह लिबास देख कर मासूमा कौम समझ गई कि तुम रो क्यों रही हो। तो उस कनीज़ ने कहा कि बीबी, आप जिस भाई से मिलने आई हैं, वो भाई अब आपका इस दुनिया में नहीं रहा, उन्हें जहर दे दिया गया और उन्हें खुरासान में दफन कर दिया गया। जनाब मासूमा कौम बैतुन्नूर जो जगह ज़्यारत की बनी हुई है, वहीं क़याम करती थी, एक सर्द आह भरी भाई की याद में बिस्तर पर गई, कुछ दिन अलील रहीं, उसके बाद वहीं उनकी शहादत हो गई। शहादत बैतुन्नूर की जगह पे हुई और आपको दफन किया गया, जहां आज बहुत ही शानदार रोज़ा मासूमा कुम का बना हुआ है, जिसकी ज़्यारत के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही आलीशान रोज़ा है। हम लोग भी वहीं आए हुए हैं और उसी ज़्यारत में शरफ़ हासिल कर रहे हैं मासूमा कुम का। सलाम अलैकुम। محمد آل محمد صلوات